हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को. इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, वी गेट 4 एज द क्वोशेंट एंड 8 एज द रिमाइंडर. क्या है इस क्वेश्चन में? हम लोग जूनियर क्लासेस में ये रूल पढ़े हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, इसी को यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इसमें क्या दिया हुआ है, दो नंबर है. इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, वी गेट 4 एज द क्वोशेंट एंड 8 एज द रिमाइंडर. तो हम यहां पे दो नंबर के एज्यूम कर लेते हैं. लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई. ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर. तो इस केस में केस वन, दो केस बना लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में. केस वन, डिविडेंड कौन हो गया, यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे आ गया 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर. तो लार्जर नंबर है x, तो डिविडेंड हो गया 3x, और डिवाइजर कौन हो गया इस क्वेश्चन, इस केस में डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, तो डिवाइजर हो गया y, और क्वेश्चेंट कितना आ रहा है, वी गेट 4 एज द क्वेश्चेंट एंड 8 एज द रिमाइंडर. तो क्वेश्चन हो गया 4 और रिमाइंडर हो गया 8. ठीक है, तो अब ये चारों वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड के प्लेस पे आ गया 3x इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर हो गया y इनटू क्वेश्चन हो गया 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर के प्लेस पे आ गया 8. तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया हमें 3x, ये 4y, 4y इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू 8. ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं वहाँ से. केस 2 क्या दिया हुआ है, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड. इस बार क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाई द लार्जर. तो इस केस में डिविडेंड कौन हो गया, 5 टाइम्स द स्मॉलर, 5 टाइम्स द स्मॉलर. तो डिविडेंड हो गया 5y, डिवाइजर हो गया इस केस में इज डिवाइडेड बाय द लार्जर. तो लार्जर नंबर हमारा है x, और क्वोशेंट कितना आ रहा है इस केस में, वी गेट 3 एज क्वोशेंट और रिमाइंडर हो गया एंड 5 एज द रिमाइंडर. तो इसको भी हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. डिविडेंड के प्लेस पे हो गया 5y, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट हो गया 3x प्लस रिमाइंडर हो गया 5. तो जनरली हम लोग x को पहले लिखते हैं, तो ये हम लोग इसको 3x को उठा के इधर लेके आएंगे, तो माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 5. ये मिल गया हमें इक्वेशन 2. तो एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया. अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा, और इस बार क्या है, एक एक्स का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम बना हुआ है, तो हमें थोड़ा कम मेहनत होगा, एक दो स्टेप बच जाएगा. इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, और ये माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 5. ठीक है, ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम बना हुआ है, अपोजिट साइन है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे. तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4y प्लस 5y, ये हो गया y, और 8 प्लस 5 13, y का वैल्यू हमें मिल गया 13. तो हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी को भी यूज कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2. तो माइनस 3x प्लस 5 इंटू 13 इक्वल टू 5, माइनस 3x प्लस ये हो गया 65 इक्वल टू 5, माइनस 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल दोनों साइड से, x इक्वल टू 60 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 20. तो x का वैल्यू आ गया 20 और y का वैल्यू आ गया है 13. तो एक नंबर हो गया 20 और एक नंबर हो गया 13. तो हम लिख देते हैं, लार्जर नंबर इक्वल टू 20 और स्मॉलर नंबर इक्वल टू 13.